हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल टेक। तो आज हम देखेंगे एक फिंगरप्रिंट पेन ड्राइव। ठीक है, इस पेन ड्राइव को मैंने अमेजोन से परचेस किया है। ठीक है, ये फैंजियंग कंपनी का है, ये ब्रांड फैंजियंग। ठीक है, ये पेन ड्राइव जो आता है ये सॉलिड स्टेट USB फ्लैश ड्राइव विथ फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी। ठीक है, USB 3.2 सपोर्ट करता है और 128 GB का है और इसका जो वारंटी है वो 3 आवर्स। ठीक है, इसे आप दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट और दूसरा है पासवर्ड। ठीक है, ये मेटल बॉडी का होता है, तो ये मेटल बॉडी का होता है, स्टील का। ठीक है, और इस में क्या मिला है और कुछ नहीं, ये जस्ट बॉक्स है। तो हम अनबॉक्सिंग देखने जा रहे हैं। ये फैंजियंग कंपनी का पेन ड्राइव है। ये आप इसे चाहो तो खरीद सकते हो, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ठीक है, तो ये देखे यूएसबी, एक टाइप होता है यूएसबी और दूसरा टाइप होता है ओटीजी। ठीक है, मतलब आप इसे, ये ओटीजी होता है, आप फोन के साथ भी चला सकते हैं, ये टाइप सी पोर्ट है। ठीक है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पर भी और स्मार्टफोन पे भी। पहले मैं स्मार्ट लैपटॉप पे चला कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखो मेरा जो स्क्रीन है ये पहली बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पेन ड्राइव को सेटिंग्स पूरा रिव्यू करके बता रहा हूँ। ठीक है, फुल सेटिंग्स। तो देखो ये आ गया, इसके बाद देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो हाँ ये डबल क्लिक करना है, देन पेन ड्राइव को डबल क्लिक करना है, देन विंडोज, ये दोनों में से एक आपको पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर आपको ये यस यस करते जाना है, यस। ठीक है, फिर से यस, ओके, फिर नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एंड एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश। ठीक है, इनिशियलिंग कॉन्फ़िगरेशन, वेलकम टू यूज फैंजियंग, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक बैकअप, डायरेक्टरी बैकअप, टाइप बैकअप, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है डायरेक्टरी बैकअप और टाइप बैकअप। ठीक है, इसी को मैं रहने देता हूँ। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर एड फ्रीक्वेंटली यूज डायरेक्टरीज आप देख सकते हैं, फुल बैकअप कैटलॉग, रिसेट टू डिफॉल्ट, डिलीट सेलेक्ट, ये सारा ऑप्शन है। ठीक है, विजार्ड सेटिंग्स, डायरेक्टरी बैकअप विंडो पे, और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दूसरा विंडो ओपन करके आएगा विजार्ड सेटिंग्स का, फिर आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को लैपटॉप पे सेटअप करके बता रहा हूँ। फिर आपको ये पिक्चर स्कैन टू फॉर्मेट, तो ये ऑल, फिर नेक्स्ट, वीडियो फॉर्मेट सिलेक्टेबल, नेक्स्ट, सिलेक्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, नेक्स्ट, ऑडियो सिलेक्टेड फॉर्मेट, नेक्स्ट, कॉपी एक्ट ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस, कीप द ओरिजिनल वर्ड स्ट्रक्चर, फिर से करना है आप लोगों को नेक्स्ट। The configurations, you have completed the initial configuration, now start experience the product. ठीक है, फिर आप लोग करना क्या है, यहाँ पर डन।
जैसे डन करोगे हार्ड ड्राइव इज लॉक, यहाँ पर इज वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट और एंटर योर पासवर्ड टू अनलॉक। तो आपको ये फिंगरप्रिंट देने बोल रहा है, आप फिंगरप्रिंट दो या फिर पासवर्ड। मैं पहली बार ये फिंगरप्रिंट भी नहीं सेट करा और पासवर्ड भी नहीं सेट करा, तो आप मुझे करना क्या है, आप लोग दिखा रहा हो फॉरगेट पासवर्ड करना है। देन आपको देखो यहाँ पर कुछ बता रहा है, वार्निंग दे रहा है, इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड प्लीज यूज द रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट टू अनलॉक, इफ योर पासवर्ड टू बी इनिशियलाइज प्लीज क्लिक कन्फर्म एंड रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स, वंस द फैक्ट्री सेटिंग्स आर रिस्टोर्ड ऑल डेटा इन द डिस्क विल बी डिलीटेड। तो ये रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, टाइम लेगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन है, बैकअप सेटिंग्स, पैनजियंग डिस्क ओके, बैकअप सेटिंग्स, एनक्रिप्शन सेटिंग्स। इससे पहले भी मैंने एक फिंगरप्रिंट पेन ड्राइव का अनबॉक्सिंग किया है, वो आप देख सकते हैं। अब एनक्रिप्शन सेटिंग्स पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर आपको सेटिंग्स क्लिक टू एनेबल सिक्योरिटी मोड कैन बी यूज पासवर्ड एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मोड यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेट पासवर्ड, यहाँ पर देखो कुछ लिखा है कि प्लीज पे अटेंशन, इफ यू फॉरगॉट और लॉस योर पासवर्ड योर डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड, restore factory settings as the only way to reset the password, thus resulting in data loss. This product is not responsible. It is recommended to register the fingerprint after setting the password. ठीक है, मतलब ये आपको बोल रहा है कि पहले पासवर्ड सेटअप करना, तो मैंने पासवर्ड सेटअप कर दिया, फिर से फिर देखो हार्ड ड्राइव इज लॉक्ड, एंटर योर पासवर्ड टू अनलॉक। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दूंगा जो मैंने एग्जिस्टिंग जो पासवर्ड है मेरा, तो दे दिया, एंटर योर पासवर्ड यहाँ पर देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको अनलॉक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अनलॉक करोगे, ठीक है, ये अनलॉक हो जाएगा, थोड़ी टाइम लेगा। फिर ये सेटिंग्स एनक्रिप्ट सेटिंग्स, सेटिंग्स में देखो क्या बोला है, क्लिक टू एनेबल सिक्योरिटी मोड कैन यूज ए पासवर्ड एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। तो इस सिक्योरिटी मोड पासवर्ड मैनेजमेंट एडिट कर सकते हैं। और ये देखो ये फिंगरप्रिंट ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा, फिंगरप्रिंट सेट करना है, कन्फर्म पासवर्ड, फिर से आपको जो पासवर्ड डाला था पिछले बार वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर दोगे सेव कन्फर्म पासवर्ड, अगेन आपको पासवर्ड देना है, फिर सेव, ठीक है, हाँ सेव। तो फिर ये फिंगरप्रिंट ऑप्शन वाल एंट्री आपको करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा टू रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट, प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर, गेट स्टार्टेड। तो आपको ये जो फिंगर ऑप्शन है पेन ड्राइव में, वहाँ पर एक एक करके उंगली को आपको एक एक करके फिंगर को सेट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेट करोगे देखो ये हो चुका है, ठीक है। आप दूसरा फिंगर भी ऐड कर सकते हो या फिर एक फिंगर करके भी छोड़ सकते हो, या डन करके, ठीक है, डन करके भी कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोगों को दूसरा फिंगर भी रजिस्टर करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ऐड यू वांट टू ऐड, यहाँ पर ऐड करना है, फिर गेट स्टार्टेड, फिर आपको दूसरा जो फिंगर है दूसरा फिंगर को यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो ये भी ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद आपको दिख रही है डन, यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। जैसे डन पे क्लिक करोगे तो मैंने अभी अभी देखो दो फिंगर प्रिंट यहाँ पर आप लोगों को दिखाए थे, दो फिंगर यहाँ पर सेट करा। तो आप ये आपको यू कैन आई ऐड अप टू 10 फिंगर प्रिंट्स, फिर आपको 10 फिंगर प्रिंट्स आप या इस पेन ड्राइव पे सेट कर सकते, फिर ऐड फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये मेरा फिंगरप्रिंट जो है वो ऑप्शन हो चुका है, फिर मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है।
इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको करना है दिस पीसी में जाना है, तो ये देखो जो फ्लैश ड्राइव दैट इज पेन ड्राइव ये ओपन हो चुका है। ये 128 GB का है और ये आप लोगों को करीब 120 GB फ्री स्पेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फाइल्स डेस्कटॉप पे है मेरा वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर राइट क्लिक करके इजेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो ये शो मोर ऑप्शंस पे भी ये नहीं है, तो आपको करना क्या है, जो टच बार है वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इजेक्ट, फिर ये आप लोगों को OTG जो है उसको भी दिखा रहा हूँ मोबाइल पे। मोबाइल पे आपको फाइल्स में जाना है, फाइल्स में जाकर वो पेन ड्राइव सेट कर लेना है। ये मेरा इंटरनल स्टोरेज है, तो जैसे ही मैं वो पेन ड्राइव वो आपका जो एंड्रॉयड है वो टाइप सी होना चाहिए। ठीक है, टाइप सी सपोर्टेड। फिर आपको ये जब मैं ये देखो ये USB इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 MB फ्री, ठीक है बता रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर फिंगर जो लॉक है वो यहाँ पर करना है। ठीक है, अनलॉक करना है, ये देखो अनलॉक हो गया, USB इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, पासवर्ड या फिर फिंगर से फिंगरप्रिंट से, तो ये देखो ये मैंने कुछ यहाँ पर कुछ फाइल्स डाला है इधर देखो, ये डेमो फोल्डर नाम से 6 मिनट से को दिखा रहा है, जैसे ही मैं क्लिक करा यहाँ पर तो देखो ये है। ठीक है, तो फोन पे भी मैं चलाकर आपको दिखा दिया कि ये फोन पे भी अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पस ये पेन ड्राइव अच्छा है, तो आप वीडियो को देखो, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो, शेयर करो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।